नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र प्लम्बर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्लम्बर वीडियो। आज हम बात करेंगे कि जो रूम में एसी का पॉइंट देते हैं हम प्लम्बर भाई, तो उस पॉइंट की कितनी हाइट रखनी है और ड्रेन का पॉइंट कितनी दूरी पे बनेगा, तो सारी आप समझते हैं। तो एसी का पॉइंट हम कैसे बनाएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। मैं हूं सुरेंद्र प्लम्बर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्लम्बर वीडियो। तो यहाँ जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये पूरे रूम का अगर हम लेके चलें तो रूम का हमें सेंटर लेना है। रूम का सेंटर अगर एसी सेंटर में लगानी है तो रूम का सेंटर ही लगेगा। तो सेंटर में जो हम आरसी की जब छत डलती है तो उस टाइम सेंटर में हम पाइप डालेंगे। ये पाइप 2 इंच का पाइप हम डालेंगे पीवीसी में, 2 इंच का पाइप सेंटर में। और ये पाइप 2 इंच का जब नीचे जहाँ पे इसका एंड होगा तो वहाँ पर हमें ये 45 डिग्री एल्बो देना है 2 इंच में पीवीसी में। आप देख रहे हो 2 इंच का 45 डिग्री का एल्बो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। तो ये एल्बो का मुंह तो फिलहाल तो ऐसे लग रहा है कि इधर है लेफ्ट साइड में, लेकिन ये आपको सामने रखना है। जब हम एल्बो लगाएंगे 2 इंच की पाइप में तो ये सामने की तरफ 45 डिग्री का एल्बो 2 इंच के पाइप का लगेगा। अब हम बात करेंगे कि ये जो पाइप है, ये जो आरसी की छत है कमरे की, उससे कितना नीचे कमरे रूम के अंदर आरसी की छत से हम नापेंगे तो ये कितना नीचे ये पाइप आएगा। तो इसकी जो दूरी है छत से वो सेंटर में लेकर के इसकी दूरी जो है वो लगभग आपको 30 इंच रखनी है। 30 इंच इसकी छत से इसकी दूरी 2 इंच की पाइप की एल्बो का जो नीचे का मुंह आएगा वो 30 इंच पे इसका होना चाहिए। छत से इसकी दूरी 30 इंच पे इसकी होनी चाहिए। अगर हम इसको फुट में देखें तो 2.5 फीट, मतलब इसका आरसी की छत से ये 2.5 फीट नीचे इसका एल्बो 45 डिग्री का जो एल्बो लगेगा उसका मुंह आएगा। तो ये उसकी दूरी हो गई। और ये आपको सेंटर में अगर एसी लगाना है तो ये सेंटर में इसका 2 इंच का देना पड़ेगा। चाहो तो आप इधर उधर साइड में भी, जैसे आपको लगाना हो तो साइड में भी लग सकता है, लेकिन ये सेंटर की अभी बता रहा हूँ। अब बात करते हैं इसकी ड्रेन पाइप की। जो एसी का जो ड्रेन पाइप है तो उसकी हम समझते हैं कि वो हमें कितने इंच पे डालना है और ये 2 इंच का जो पाइप है इससे कितनी दूरी इसकी रखनी है। जो एसी जो सेंटर में ये एसी लग जाएगा सांकेतिक, ये यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम की सहायता से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप आसान तरीके से आप समझ जाए जो नए प्लम्बर भाई हैं उसके लिए। तो ये जो एसी का ड्रेन होता है दोनों तरफ ही आता है, लेफ्ट और राइट साइड। अगर लेफ्ट में है तो यहाँ सेंटर से लेफ्ट की तरफ हम पाइप उतार देंगे, अगर राइट में उतारना है तो राइट में भी उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ ही आता है। ज़्यादातर राइट साइड में इसका ड्रेन आता है, नए एसी में तो दोनों तरफ ही आता है। तो अगर हमें राइट साइड में उतारना है तो ये जो हमने 30 इंच एल्बो उतारा है वहाँ एल्बो के सेंटर से हमें राइट साइड की तरफ इंची टेप से हम नापेंगे तो हमें ये 22 इंच पर इसका ड्रेन का जो है पाइप उतरेगा। अगर हमें राइट साइड में उतारना है तो एल्बो से हम इंची टेप लगा करके राइट साइड में 22 इंच तक जाएंगे और इसको हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे। यहाँ से ये एल्बो अभी आपको 90 डिग्री अगर आप लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि ऊपर से पानी आएगा। अगर 45 डिग्री लगेगा तो और भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर हमें सी पी वी सी पाइप इसमें लगाना है तो आप सी पी वी सी 1/4 इंच का पाइप इसमें लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे 45 डिग्री या 90 डिग्री एल्बो ऊपर भी जो हम छोड़ेंगे तो हमें वहाँ पर 45 डिग्री का एल्बो सी पी वी सी में लगेगा। आप चाहो तो इसमें लाइट की जो हैवी पाइप आती है लाइट फिटिंग में, जो हम आर सी की छत में डालते हैं, वो पाइप भी इसमें यूज़ कर सकते हो। उसमें 2 बैंड लगेंगे और ऊपर 1 बैंड छोड़ना है आपको और 1 बैंड नीचे, और बाहर जहाँ भी आपको ड्रेन ले जाना है वहाँ पर आप जा सकते हो। अगर सी पी वी सी लगा रहे हो तो वहाँ ऊपर जो ड्रेन के लिए है वो आपको 45 डिग्री एल्बो सी पी वी सी लगा रहे हो तो 45 डिग्री आपको एल्बो छोड़ना पड़ेगा। और लाइट का जो लगा रहे हो तो यहाँ पर ये बैंड आ जाएगा,
एक्स्ट्रा बैंड है वो बाद में प्लास्टर के बाद में जब एसी लगाए तो वो कट जाएगा। तो आप दोनों यूज़ कर सकते हो, लाइट वाली पाइप में आप पीवीसी सॉल्यूशन लगाओगे तो लीकेज का भी चांस नहीं रहेगा। तो आप समझ गए होंगे कि सेंटर से आपको राइट साइड में 22 इंच चलना है, और अगर लेफ्ट में आप दे रहे हो पॉइंट तो लेफ्ट साइड में भी आपको 22 इंच चलना है, 2 इंच एल्बो के मुंह से। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो जो दोनों पॉइंट है, दो दो पॉइंट हमारे हो गए, तो दोनों पॉइंटों की जो छत से तो है समान दूरी रखनी है आपको, छत से दोनों 30 इंच पर ही रखने हैं, समान दूरी आ गई। छत से जब हम नापेंगे तो 30 इंच पर ही रखने हैं दोनों पॉइंटों को, और जो दोनों पॉइंटों की जो दूरी है वो जो एसी का 2 इंच का जो एल्बो लगाएंगे वहाँ से राइट साइड में अगर आपको पॉइंट देना है ड्रेन का तो 22 इंच यहाँ से ये चलना पड़ेगा, और अगर लेफ्ट साइड में दे रहे हो तो भी हमें 2 इंच के एल्बो से 21 या 22 इंच पर आप रखोगे तो ये इसका स्टैंडर्ड साइज हो जाएगा। छत से इसका 30 इंच हो गया और साइड इसका सेंटर से 22 इंच हो गया, और एल्बो हमें 2 इंच पीवीसी का 45 डिग्री का लगाना है, और पाइप भी 2 इंच का ही हमें देना है। तो ये ध्यान रखना है, और ये वाला जो ड्रेन का पाइप है ये 1.25 इंच का डालना है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।